तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये देखो। हाँ, वही जो तुम समझ रहे हो, आज मैं इसी पोस्टर को क्रिएट करने वाला हूँ। एंड इसे क्रिएट करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं। अगर फोटोशॉप का तुम्हें बेसिक भी पता है तो तुम इस पोस्टर को इजीली क्रिएट कर सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इस वीडियो को फुल वॉच करना। एंड इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि इस वीडियो से भी तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक पेज क्रिएट करना है। विड्थ मैंने यहाँ पे 1080 लिया है एंड हाइट मैंने यहाँ पे 1350 लिया है। जस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पैनल को ओपन करने के लिए आप जस्ट प्रेस कंट्रोल एन करोगे और ये पैनल आपको ओपन हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आप विड्थ 1080 एंड हाइट 1350 टाइप करके रेजोल्यूशन आप 300 रख सकते हो, ठीक है। एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे एक इमेज इस एक पेज क्रिएट कर लिया है, ठीक है। एंड इस पोस्टर में मैं जो भी इमेज और टेक्सचर यूज करूँगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ड्राइव का लिंक। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इस इमेज को जो मैंने यहाँ पे इमेज लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस इमेज पे कुछ इफेक्ट वगैरह डाला था, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट मैं इसे इसके इमेज इस इमेज के बैकग्राउंड को मैंने रिमूव कर लिया था। तो डोंट वरी, मैं इस रिमूव वाला फाइल ही आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और विदाउट रिमूव भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप पेन टूल से इसे रिमूव करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। एंड यहाँ पे मैं कलर, इस बैकग्राउंड में जो मैं कलर और टेक्स्ट का जो कलर मैं यहाँ पे यूज करूँगा वो रेट्रो कलर यूज करूँगा और इसे रेट्रो वाला फील में ही हम इस पोस्टर को क्रिएट करने वाले हैं। तो जस्ट आप गूगल पे चले आओ, रेट्रो कलर सर्च करो, ठीक है, और यहाँ से मैंने इस वाले कलर को पिक किया है। कंट्रोल से इसे कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल भी से पेस्ट कर लो, ऑलराइट। एंड बैकग्राउंड पे मैंने यहाँ पे जस्ट आपको इस वाले आइकन पे क्लिक रहना है, सॉलिड कलर पे आना है और यहाँ से इस कलर को पिक कर लेना है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे हाइड कर रहा हूँ। और इस बैकग्राउंड पे राइट क्लिक रहते हुए आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। एंड देन गो टू फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर, एंड यहाँ से ग्रेन के टेक्सचर इफेक्ट में आकर के, ठीक है, इफेक्ट वाले पैनल में आके ग्रेन का एक सेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड पे जो इफेक्ट आपको मिल रहा है वो एक ग्रेन टेक्सचर का फील आपको देना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 30-35 का राउंड आप ले सकते हो। जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक हिट ओके कर रहा हूँ। एंड देन मैं इस इमेज के साथ भी सेम इफेक्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैमरा ऑफ फिल्टर पे आपको क्लिक रहना है और यहाँ पे मैंने ग्रेन का 32% यहाँ पे हिट किया है। आप देख सकते हो इसे जूम करके, ठीक है, ये और जूम होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सी, इस टाइप से टेक्सचर इफेक्ट तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड जस्ट यहाँ पे क्लिक हिट ओके। अगर आपको कुछ ग्रेडिंग वगैरह करना है तो आप यहाँ पे इमेज के साथ हल्का फल्का अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। एंड क्लिक हिट ओके पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड देन बैकग्राउंड को अभी मैं लॉक कर रहा हूँ, ऑलराइट। एंड देन यहाँ पे मैं इसे सेट कर लूँगा एंड यहाँ से इस इमेज को मैं और डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। तो डुप्लीकेट करने के लिए प्रेस कंट्रोल जे कर लो या फिर ऑल्ट को होल्ड करके आप ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कैसे ये कर सकते हो पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप इसे जूम कर लो इस टाइप से, ठीक, एंड प्रेस कंट्रोल टी करके हम इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं इसे यहाँ पे सेट करूँगा। सी, आप इस इमेज को थोड़ा सा मैं और बिगर कर लूँगा और इसे हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। सी, इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सू को भी दिखाऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले जा करके यहाँ पे मैं इसे फिट कर लूँगा। सी, एंड देन इस कलर को हम लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस इमेज पे रहते हुए इफेक्ट्स पे आ जाना है और ग्रेडियंट ओवरले पे आना है, ठीक है। ग्रेडियंट ओवरले पे ग्रेडियंट कलर अगर आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे ब्लेंड मोड अगर आपका ओवरले नहीं है, आप नॉर्मल पे कर रहे हो, तो आपको इस टाइप से ये इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो मेक श्योर ध्यान रखना ब्लेंडिंग ऑप्शन को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो कि ये कहाँ पे आपको बेटर लग रहा है, ठीक है। लाइटन पे भी ये मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे लाइटन पे ही यूज कर रहा हूँ और यहाँ से जो कलर है आप एक बार चेक कर सकते हो,
यह कहाँ पे आपको सही लग रहा है? ये डार्क ब्लू में भी मुझे काफ़ी हद तक सही लग रहा है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करके इस टाइप से यहाँ पे मैं दिखाऊंगा सी, एंड इसे कंट्रोल ओके, सॉरी ओके कर लेंगे। ठीक है, एंड इसे अभी के लिए हम लोग यहाँ पे हाइड कर लेंगे इस कलर को, एंड देन इस इमेज पे रहते हुए पेन टूल पे आ जाना। ठीक है, पेन टूल पे आने के बाद कर्वेचर पेन टूल पे क्लिक रहना है, और स्ट्रोक को मैं बंद कर रहा हूँ, और फिल का कलर मैं यहाँ से स्ट्रोक को बंद करके फिल पे आना है, और फिल का कलर मैंने ये ऑरेंज वाला पिक किया है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इतने पोर्शन को ही मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और इस टाइप से इफेक्ट अभी ट्रेंड में है। ठीक है, अगर आप कोई भी इमेज अगर आप चाह रहे हो तो इस टाइप से इफेक्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पोस्टर पे वो अलग ही फील देना स्टार्ट कर देगा, और आपको अट्रैक्टिव भी लगेगा, और मॉडर्न वाला फील भी आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट मैंने इसे ड्रॉ किया, ठीक है, इस टाइप से, और इसे मैंने यहाँ पे मिला दिया, एंड देन इसे अपने लेयर के नीचे में ला करके सेट कर लेंगे सी। तो आप देख सकते हो पहले हमारा इमेज खाली खाली लग रहा था, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अलग ही फील आपको यहाँ पे दे रहा होगा। ठीक है, एंड देन अब यहाँ पे जो मोस्टली जो चीज़ यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वो सारा टेक्स्ट और टाइपोग्राफी का यहाँ पे खेल है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन टाइपोग्राफी के साथ यहाँ पे प्ले करेंगे। ठीक है, तो मैंने जस्ट चैट जीपीटी से कुछ कंटेंट निकाला था, आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हो, या फिर आप गूगल से कहीं से भी आप इमेज का कंटेंट यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी या जेमिनी से अभी के टाइम में तो चैट जीपीटी और जेमिनी को आप जब इमेज डालो और सजेस्ट कर दो, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप करूंगा। ठीक, तो टेक्स्ट टूल पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, सेरिफ फॉन्ट का क्रिएट टेस्ट, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, तो इजीली आपको ये फॉन्ट अवेलेबल हो जाएगा गूगल पर, जस्ट आपको थोड़ा मेहनत करना है। ठीक है, आप सर्च करो, अगर आपको ये फॉन्ट नहीं मिलता तो मुझे कमेंट करना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो जस्ट यहाँ पे मैंने कलर ब्लैक लिया। ठीक है, आप इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे कंटेंट को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया सी। अब यहाँ पे कंटेंट के साथ आपको कुछ प्ले करना है, तो यहाँ पे मैं तो इस टाइप से मैं यहाँ पे इसे दिखाऊंगा, आप इसे थोड़ा और नीचे ला करके यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से स्पेस देके आप यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, और से एक और कंटेंट मैं यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे कंटेंट को पेस्ट किया। ठीक है, और इसे सिलेक्ट करके आप ये मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन इस साइड में किया है। ठीक है, राइट यहाँ पे आप जाओगे तो राइट लाइन टेक्स्ट मैंने यहाँ पे किया है, और यहाँ पे आप इस पे ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हो इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इस टेक्स्ट पे कितना दिया था, 120 एंड 11 का ये डिस्टेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं 11 पे आ जाऊँगा, और इसका डिस्टेंस 120 था, तो यहाँ पे भी मैं 120 ही हिट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसे थोड़ा सा इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कलर जो है मैंने पिक किया था, वो मैंने नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे जो हमारा रेड वाला कलर था, ठीक है, इस वाले रेट्रो का कलर मैंने यहाँ से पिक किया था सी, एंड सेम मैंने यहाँ पे भी वही पिक किया है, एंड देन यहाँ पे रेस्ट टूल पे आ जाने का है, और फिल को बंद करेंगे, स्ट्रोक को मैंने यहाँ पे ऑन किया है। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लो इस टाइप से। ठीक है, और इसमें हम एक इफेक्ट यूज करेंगे। ठीक, तो जस्ट इस सर्कल पे आपको रहना है, फिल्टर पे आना है, डिस्टॉर्ट पे आना है, और शेयर यहाँ पे क्लिक करना है, एंड कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और ये वाला लाइन आपको यहाँ पे नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, तो आपको जस्ट इस टाइप से यहाँ पे वॉक अराउंड करना है, और क्लिक हिट ओके करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि पहले ये था और अब का ये है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखेगा, तो जस्ट यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ सी, आप इसे थोड़ा सा स्मॉल भी कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पे प्रेस कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसे बिगर करेंगे, और इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ से मैं इसे 64
पे हिट करूंगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कंटेंट दिखा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप कंटेंट को थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करना चाहो, ठीक है, तो पहले तो आप इसे कंट्रोल से इसे कॉपी कर लो, इसे हाइड कर लो, और रैंडमली यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस टाइप से। एंड टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप यहाँ पे स्पेस बार के बटन से यहाँ पर रहते हुए इस टाइप से आप इधर लेकर के आ सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा इस टाइप से दिखा सकते हो, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट इस टाइप से भी यहाँ पे टाइपोग्राफी के साथ आप प्ले कर सकते हो सी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस टाइप से कंटेंट को आप दिखा सकते हो, और अगर अगर आप चाहो तो इसके स्पेस को थोड़ा सा आप यहाँ पे कम कर भी सकते हो, ठीक है। तो अराउंड मैंने यहाँ पे इतना किया और इसे यहाँ पे हमने शिफ्ट कर लिया। एंड देन यहाँ पे एक टेक्स्ट और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ऑन योर लुक, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ क्रिएटेशन डेमो करके फॉन्ट है, तो यहाँ पे आप जस्ट टाइप करो ऑन योर लुक। आप इसे प्रेस कंट्रोल टी करके थोड़ा सा बिगर कर लो, ठीक है। एल आप यहाँ पे कैपिटल कर लो, ठीक है, इस टाइप से। एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम कर्व करेंगे, और यहाँ पे इसे हम इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे सी। एंड इस कंटेंट को, इस वाले टेक्स्ट को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ पे क्लिप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या आपको विंडोज के सेक्शन में जा करके आप यहाँ से ग्लिप्स देख सकते हो कहाँ पे है, यहाँ पे है। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करो और ग्लिप्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इस फॉन्ट का ये वाला वर्जन में जस्ट यूज करूंगा एज अ एलिमेंट, ठीक है सी, इस टाइप से। इसके ब्रीदिंग स्पेस को हम लोग यहाँ पे कम करेंगे, ठीक, यहाँ पे मैं अराउंड दिखा रहा हूँ ठीक। एंड इस इमेज को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसे नीचे लेकर के आएंगे, ठीक है, जस्ट यहाँ पे। ये थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कंटेंट को और इमेज को, ठीक है। तो जस्ट मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे मेन टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे, टेक्स्ट पे आएंगे एंड मिड स्टार पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे स्टाइल मैंने टाइप किया, ये मैंने कंटेंट चैट जीपीटी से ही निकाला है, तो आप वहाँ से इसे इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। स्टाइल के बाद आप डुप्लीकेट करो, बियॉन्ड मैंने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, और जस्ट इसे यहाँ पे सेट करेंगे, और एक अगेन एक डुप्लीकेट करेंगे, और इसे यहाँ पे हम लोग ट्रेंड्स ट्रेंड्स लिखेंगे। बस यहाँ पे जो ट्रेंड्स मैंने लिखा है, इसका फॉन्ट हमारा चेंज रहेगा, ये क्रिएशन डेमो का यहाँ पे मैं यूज करूँगा, ठीक है। एंड बियॉन्ड पे बी पे सिलेक्ट रहना है, और इसका जो स्टाइल है बी का वो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा इस टाइप से। स्टाइल को मैं यहाँ पे बोल्डनेस थोड़ा सा, स्टाइल के बोल्डनेस को यहाँ पे थोड़ा सा कम करेंगे, और अगेन बियॉन्ड पे रहेंगे, और इसका कलर हम लोग यहाँ से ऑरेंज पिक करेंगे, ठीक है। एंड स्टाइल और ट्रेंड्स का जो कलर है वो मैं यहाँ पे वाइट लूँगा, ठीक है। इस इमेज को लॉक कर लो, एंड इसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, एंड प्रेस कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा सा बिगर कर लो, ठीक है। एंड इस टेक्स्ट को विजुअल करने के लिए आप जस्ट इस इमेज पे आ जाओ, एक न्यू लेयर पे क्लिक करो, एंड यहाँ से आप ग्रेडियंट टूल पे आ जाओ, और यहाँ से मेक श्योर ध्यान रखना ये ट्रांसपेरेंट हो। यहाँ से आप बेसिक पे जाओगे, और यहाँ से ट्रांसपेरेंट चूज करके यहाँ पे कलर ब्लैक और ये वाइट रहेगा, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे शिफ्ट के साथ होल्ड करके आप एक शैडो ड्रॉप कर लो इस टाइप से, ठीक है। एंड देन इसके ओपेसिटी को यहाँ पे कम कर लो, एंड इसे लॉक करके आप इसे यहाँ पे नीचे में एडजस्ट कर सकते हो। और इस टेक्स्ट पे आ करके आप इफेक्ट्स में चले जाओ, और स्ट्रोक के साइज को यहाँ पे मैं 4 पिक्सल पे हिट कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं एक CTA प्रेस करूँगा, ठीक है, उसे मैंने क्रिएट कर लिया था। तो जस्ट आप इस टाइप से CTA को इजिली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये एरो जो है मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया था, तो आप इस एरो को फ्री पिक से डाउनलोड करके यहाँ पे आप जस्ट रेक्टेंगल टूल पे आके इसे स्ट्रोक वाले फॉर्मेट में आप इसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं ग्लास इफेक्ट, जो इमेज का टेक्स्ट ग्लास टेक्सचर था, ठीक है, इसे अपने सारे ऊपर के फाइल में सेट करेंगे, सबसे ऊपर वाले लेयर पे, और इसे ऑन करके प्रेस कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा सा बिगर करेंगे, और इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट करके इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन को यहाँ पे स्क्रीन कर लेंगे सी, और इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे इस टाइप से, इस टाइप से यहाँ पे,
इसे सेट कर लेंगे, ठीक है। और ओपेसिटी को यहाँ पे थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसे हम लोग ज़्यादा भी मतलब यहाँ पे फील नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे 80% इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आप इस टाइप के रेट्रो फील वाले पोस्टर को यहाँ पे इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एंड देन लास्ट इफेक्ट देने के लिए आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, कलर लुकअप पे आ जाओ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपको कहाँ पे बेटर लग रहा है। तो मुझे ये वाला इफेक्ट यहाँ पे बेटर लग रहा है, ठीक है। तो जस्ट मैं इसे यहाँ पे दिया, और अगर आप चाहो तो ओपेसिटी आप कम कर सकते हो, या फिर मेरे अकॉर्डिंग तो ये मुझे सही लग रहा है। तो आप इस टाइप से यहाँ पे इस टाइप के पोस्टर को इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिला या फिर नहीं, ताकि मैं इस टाइप के कंटेंट को और भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ नया ट्रिक यहाँ पे सिखाऊं जो अभी ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस टाइप के रेट्रो इफेक्ट, आप बैकग्राउंड, आप कलर कहाँ से पिक कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट आप इजिली गूगल से सर्च करके इस टाइप के फॉन्ट को आप चूज कर सकते हो, ठीक है। इमेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मुझे टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट और फॉन्ट के फाइल को भी वहाँ पे मैं बहुत ही जल्द वहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आई होप कि इस वीडियो से भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।